सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाध बानी तहरीक इंसाफ ने वर्जिश के अंदाज में सर के पीछे हाथ बांध कर स्ट्रेचिंग की, बाजुओं को वर्जिश के अंदाज में हिलाया और गर्दन को दाएं बाएं हरकत देते रहे। दलाइल देने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। बानी पीटीआई ने साथ मौजूद पुलिस अहलकारों को अपने पास बुलाया और अपने चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत की, जिस पर अहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि सर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एडवोकेट जनरल को अपनी जगह पर बैठने की हिदायत कर दी। दौरान समाध बानी पीटीआई साथ बैठे शख्स से बातें करते रहे। मखदूम अली खान ने टेक्निकल एतराज किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई ये निकात नोट कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के साथ जेरे लब मुस्कुराहट देकर बानी पीटीआई मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं इधर ही हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा कि मरकजी दरख्वास्त गुजार भी कहीं नहीं जा रहे क्योंकि वो अडयाला जेल में कैद है। रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कह कहे लग गए। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद रही।